सांसद राहुल गांधी ने नीट और यूजीसी नेट परीक्षा विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवाने वाले पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं, या शायद वो इसे रोकना ही नहीं चाह रहे हैं। राहुल ने कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी के कब्जे की बात कहते हुए राहुल ने कहा कि इस कब्जे को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। राहुल ने इसमें पीएम मोदी की भागीदारी बताते हुए इसे एंटी नेशनल एक्टिविटी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक से मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ धोखा हुआ है और इसके दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि नीट के विवाद के बीच बीते 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट का पेपर भी परीक्षा के एक दिन बाद ही कैंसिल कर दिया गया था। राहुल ने इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। राहुल ने कहा कि आज गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है वो पेपर लीक के एपी सेंटर बन गए हैं, यही पेपर लीक होते हैं। लेकिन मोदी को इसकी चिंता नहीं है, उन्हें तो बस लोकसभा स्पीकर बीजेपी का बन जाए इसकी चिंता है। राहुल ने कहा कि वो अब इस मामले को संसद में उठाएंगे। विपक्ष इस बार बहुत मजबूत है, इसलिए ये हमारी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उद्धव ने कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता संभालेगी। उनके इस दावे ने सियासी पारा हाई कर दिया है। इसके साथ ही ठाकरे ने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। उद्धव यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पीएम मोदी को चैलेंज भी कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये मुकाबला आपके और मेरे बीच होगा। भाजपा को मेरा संदेश, मेरे मूल प्रतीक का उपयोग किए बिना चुनाव जीतने का प्रयास करें। मुझे गर्व है कि हमने किसी और की तस्वीर का उपयोग नहीं किया। हम कभी भी उपयोग नहीं करेंगे, खासकर पीएम मोदी की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि वो नकली शिवसेना को दूर रखते हुए आज ही तैयारी शुरू कर दे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां बीजेपी व पूरे महायुति गठबंधन में निराशा नजर आई तो वहीं विपक्ष काफी मजबूत होकर उभरा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। उद्धव के इस बयान से साफ है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे बल्कि चुनाव में उन्हें कड़ी चुनौती दें। एक बार फिर होंगे लोकसभा चुनाव, इस तरह की चर्चाएं तूल पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। हालांकि बीजेपी ने सहयोगियों के सहारे सरकार तो बना ली है लेकिन किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को ही लगा है जहां वो 400 पार का नारा दे रही थी और नतीजों में 240 पर ही सिमट गई, जबकि विपक्ष की सीटें दोगुनी हो गई हैं। दबाव में आई मोदी सरकार अब मध्यावधि चुनाव कराने की तैयारी में है, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी जल्दी ही मध्यावधि चुनाव का ऐलान करा देगी। दरअसल महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिली निराशा अभी दूर भी नहीं हुई थी कि विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के दावों ने बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन पहले से ही टूटने की कगार पर है। ऐसे में अगर इस चुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो पार्टी के अपने सांसद भी पाला बदल सकते हैं। वहीं नीतीश और नायडू के साथ भी रिश्तों की मजबूती सवालों के घेरे में है और अगर विपक्ष के दावे सच साबित होते हैं तो एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की तैयारी में पीएम मोदी जुट गए हैं। हालांकि इस चुनाव के नतीजे की भी गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन बीजेपी का सत्ता पर एकाधिकार हासिल करने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल अगले 3-4 महीने देश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।